अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस लेसन में हम मल्टीपल लिस्ट क्वेश्चंस को देखेंगे कि हम हेडिंग वन और उसके नीचे आने वाले टॉपिक्स की सब हेडिंग्स को कैसे एक लिस्ट की फॉर्म में बना सकते हैं व्यूअर्स। फॉर एग्जांपल व्यूअर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़ जो है उसको मैं एक लिस्ट की शक्ल दे देता हूँ व्यूअर्स। इसको मैंने बुलेट लिस्ट लगा दी, बुलेट हो न्यूमेरिक लिस्ट हो, दोनों में जो सब हेडिंग्स और सब मल्टीपल क्रिएटिव लिस्ट का मेथड है वो सेम है व्यूअर्स। व्यूअर्स ये देखें, जैसे ही मैंने इसके एंड में ला के इसको इंटर किया तो मेरे पास एक ऑटोमेटिक बुलेट आ गया कि मैं बुलेट लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। बट अब मैं बुलेट लिस्ट क्रिएट तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो नेक्स्ट टैक्स है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी की सब हेडिंग है व्यूअर्स। अगर मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी की सब हेडिंग के तौर पे लेके जाना चाहता हूँ व्यूअर्स, तो सिंपली मैं अपने कंप्यूटर से टैब की प्रेस करूँगा व्यूअर्स, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़ की सब लिस्ट को क्रिएट कर सकता हूँ व्यूअर्स। सिंपली देखिए व्यूअर्स, मैंने टैब की प्रेस की, मेरा कर्सर एक पॉइंट से दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया और मेरे एक बुलेट की शेप भी थोड़ी सी डिफरेंट से शो हो रही है, जो ये शो कर रही है कि ये ऊपर वाली हेडिंग की सब हेडिंग है व्यूअर्स। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ व्यूअर्स, मेजर टू टॉप। ये थी व्यूअर्स, हमने एक की सब हेडिंग कर ली व्यूअर्स। दोबारा मैंने इंटर किया व्यूअर्स, ये देखिए व्यूअर्स, मैनेजर टू टॉप। फिर इसके अलावा मैं लाइन मैनेजर कर देता हूँ व्यूअर्स, लाइन मैनेजर रिपोर्टिंग कर देता हूँ व्यूअर्स, मैनेज ऑल अकाउंट्स रिकॉर्ड व्यूअर्स। यहाँ तक इंटर हो गए व्यूअर्स। अब मैंने दोबारा इंटर की, अब मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़ की सब हेडिंग्स व्यूअर्स ख़त्म हो चुकी हैं। अब मेरे पास रोल ड्यूटीज़ की एक हेडिंग शुरू हो चुकी है, तो मैं वापस जो है व्यूअर्स जो है एक मेन हेडिंग पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास सब हेडिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं। तो व्यूअर्स सिंपली मैं पहले टैब प्रेस किया करता था और सिंपली मैं शिफ्ट को प्रेस करते हुए टैब को प्रेस करूँगा व्यूअर्स। ये देखिएगा व्यूअर्स, सिंपली मैं टैब को प्रेस करता हूँ व्यूअर्स, शिफ्ट को दबाते हुए टैब को मैंने प्रेस किया व्यूअर्स। ये देखिए व्यूअर्स, मैं सब हेडिंग्स से ओरिजिनल हेडिंग्स की जगह पे पहुँच गया। यहाँ पे मैं एक दे देता हूँ व्यूअर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज़ के बाद मैं यहाँ पर देता हूँ ड्यूटीज़ एंड परफॉर्म्स। कुछ भी व्यूअर्स समझाने के लिए आपको मैं कर सकता हूँ व्यूअर्स। ये देखिए व्यूअर्स, ड्यूटीज़ एंड परफॉर्म में मैंने क्लिक कर लिया व्यूअर्स। अब मैं दोबारा ड्यूटीज़ एंड परफॉर्म की कोई सब हेडिंग पे जाना चाहता हूँ, तो व्यूअर्स मैं टैब पे क्लिक करूँगा व्यूअर्स, मैं ड्यूटीज़ एंड परफॉर्म की एक सब हेडिंग को प्रिपेयर कर रहा हूँ व्यूअर्स। इसमें मैं लिख देता हूँ ऑन टाइम। इसी तरह फिर मैं इंटर करता हूँ, अभी मैं सब हेडिंग में मूव कर रहा हूँ व्यूअर्स। इंटर करने के बाद 5 PM ऑफ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं व्यूअर्स, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ व्यूअर्स। अब ड्यूटीज़ एंड परफॉर्म्स की अगर सब हेडिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं व्यूअर्स, तो मैं दोबारा इसे इंटर करता हूँ और दोबारा से मैं शिफ्ट को प्रेस करते हुए टैब की को प्रेस करूँगा व्यूअर्स, तो मैं एक मेन हेडिंग में आ चुका हूँ व्यूअर्स। यहाँ पे मैं कोई भी मज़ीद हेडिंग्स को ऐड करके इसी तरह उसकी सब हेडिंग्स को डिफाइन करके एक मल्टी लेवल ऑफ लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ व्यूअर्स। ये मल्टी लेवल ऑफ लिस्ट बेसिकली इंडेक्स क्रिएटिंग इसे कहते हैं, कि इंडेक्स क्रिएटिंग में मल्टी लेवल ऑफ लिस्ट यूज़ होते हैं। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम फॉर्मेटिंग ऑफ मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। Thank you for watching the Build Training Institute e-learning video.